मैं बीके दत्ता, मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं एक बॉक्स NHL का एक रेक खड़ा है। आज एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों को लिए, जो कि आप लोग इस बॉक्स NHL का जो ब्रेक सिस्टम होता है किस तरीका के होते हैं उसके ऊपर, और थोड़ा फीचर देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएंगे तो आप लोगों को तकलीफ़ होगा, और कुछ बाकी रहेगा तो दूसरा पार्ट्स में देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर चैनल में नया हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूरत पड़ने से कमेंट करिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख सकता है ये BOX NHL, मतलब ये ओपन बॉगी आपका वागन एक है, इसके ऊपर मैं वीडियो डाल रहा हूँ। चल आप लोग देख लीजिए, इसका नंबर सिस्टम यही है, और मैं इनके वीडियो को लंबित नहीं करने मांगता। इनमें क्या क्या लिखा है आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए। इनमें देखिए कुछ स्टेटस दिया हुआ है, बेस का अपना जो डिपो होता है, वारंटी इंस्पेक्शन क्या होता है, रिडंडेंट सिस्टम क्या होता है, इसके ऊपर मैं अब ये वीडियो मैं नहीं डाल रहा है। मैं ब्रेक सिस्टम में सरासर चले जा रहा है, ब्रेक सिस्टम आप लोगों को दिखाने के लिए। ब्रेक सिस्टम में इनके जो होता है एयर प्रेशर सिस्टम, और इनके जो लोड एम्प्टी देखिए, दूसरा गाड़ी ऑर्डिनरी लोड एम्प्टी सिस्टम नहीं है, इसमें जो लोड एम्प्टी सिस्टम है इनको ए सिस्टम को APN सिस्टम बोला जाता है, मतलब ऑटोमेटिक न्यूमेटिक मॉडिफिकेशन सिस्टम। इस सिस्टम में ब्रेक कैसे एप्लीकेशन होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सकते हैं इधर जो ग्रीन पाइप है वो आपके हो गया BP पाइप, और जो वाइट पाइप है देख रहा है इसमें एंगल कोक दो है, एक AP पाइप। ये BP और AP इस गाड़ी से लेकर आपको इस एंड से उस एंड में निकलेंगे, लेकिन बीच में कुछ ब्रांच पाइप से कुछ कनेक्शन रहेंगे, उसमें आपको ऑपरेशन करेंगे। देखिए वाइट पाइप जो है उस तरफ से आया और ये आ गया, इनके बाद में देखिए ये इस तरह में चले गया। ये आने के बाद में देखिए इधर एक डार्ट कलेक्टर लगा है और ये पाइप आ गया आपका ये ऑक्सिलरी रिजर्वर में। इनके आगे देखिए एक आइसोलेटिंग कॉक है, जस्ट ए सेम। देखिए BP पाइप आया इधर से, आपको एक डार्ट कलेक्टर लगा हुआ ये ब्रांच पाइप से, देखिए ब्रांच पाइप जाके आपको BP जो है DV में गया है। ऑक्सिलरी पाइप का आउटपुट जो है देखिए ये पाइप आपका BP पाइप में DV में आके घुसा हुआ है। एक आपका BC के लिए एक पाइप इधर से निकला हुआ है। ये जो पाइप है देख रहे हैं इधर से निकला, ये पाइप जो निकला ये देखिए ये होगी आपका ब्रेक सिलेंडर के लिए निकला, लेकिन ये जाएंगे एंट्री होंगे APN में। ये वाला ब्रेक सिलेंडर के लिए जो पाइप जो DV के इधर से निकला हुआ ये आया है, देखिए आके इस पोर्शन में आपका APN में एंट्री हुआ। APN से एक दूसरा पाइप गया, देखिए इस जॉइंट में आया और ये सीधा उस एंड का ट्रॉली में चले जा रहा। इसमें एक आइसोलेटिंग कॉक है, कुछ तकलीफ होने से बोगी में आप ये आइसोलेटिंग कॉक इधर बंद कर सकते हैं, और उस तरफ सेम बोगी में एक आइसोलेटिंग कॉक रहेगा, प्रॉब्लम होने से उनको भी आप बंद कर सकते हैं। ये APN में देखिए एक ऑक्सिलरी रिजर्वर रखा हुआ है, ये आपका हो गया 6.6 के एक ऑक्सिलरी रिजर्वर, जो कि आपका इस सिस्टम में आपको ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर को नियंत्रित करता है, और उस दौरान ये APN काम करता है। APN में जो प्रेशर आते हैं, अगर ये देखिए एक सेंसर आर्म इधर लगा हुआ है, ये सेंसर आर्म आपको लोड एम्प्टी मेंशन करता है। देखिए बॉडी में से आपका ये पार्ट इनके लगा हुआ है, और एक लीवर इधर है, ये फ्रेम को टच करता है। इनके जो लेंथ है 104 mm, और ये 104 mm 80 mm अगर ये प्ले करेंगे तो ये लोड कंडीशन माना जाता है। ये लोड एम्प्टी में आपका सिलेंडर में कितना प्रेशर जाएंगे, कितना प्रेशर से सिलेंडर ऑपरेट होंगे, इसके लिए ये मेंशन किया जा रहा है। और उस दौरान देखिए जब एम्प्टी पोजीशन में रहेंगे तो इधर एक्चुअल
डीबी से जो प्रेशर आता है 2.2 किलो पर सेंटीमीटर का आता है, 3.2 सेंटीमीटर का प्रेशर इसमें आते हैं पहला। अब जब एम्प्टी पोजीशन होता है तो ये लोड सेंसिंग आर्म से इनका सेंसिटिव जो होता है, तो उस टाइम में ये 2.2 केजी पर सेंटीमीटर का स्क्वायर का हवा आपके ब्रेक सिलेंडर में पहुँचते हैं। अब देख सकते हैं ब्रेक सिलेंडर अंदर में दिख रहा है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। ये सेंसिंग आर्म अगर आपका बॉडी नहीं टच करता है तो अनलोड कंडीशन एम्प्टी कंडीशन होता है, अगर ये बॉडी टच करता है तो उस दौरान क्या होता है, इसका सेंसिंग आर्म इधर देखिए एक रेड मार्क है, ये सेंसिंग आर्म में ये रेड मार्क बोलने से लोड पोजीशन में निकलता है, और उस दौरान लोड पोजीशन जब होता है तो पिस्टन वर्क में आपका होगा 3.8 केजी पर सेंटीमीटर का स्क्वायर आपको जाके पिस्टन स्टॉप करेंगे। अभी ये गाड़ी देखिए ये अभी ब्रेक कंडीशन में है, उसीलिए एक गाड़ी में आपका ये सेंसिंग आर्म आपको बोगी फ्रेम का साथ में अटैचमेंट है। अब मैं इसको रिलीज करके दिखा रहे हैं, देखिए गाड़ी रिलीज करने जा रहे हैं, ये मैनुअल रिलीज मैं कर रहा, देखिए इधर रिलीज हैंडल किया, अभी देखिए ये सेंसिंग आर्म आस्ते आस्ते उठ जाएंगे, मतलब ब्रेक कंडीशन में ये सेंसिंग आर्म नीचे में आते हैं और आके बॉडी रहेंगे इसमें टच हो जाएगा। तो मतलब लोड कंडीशन कब माना जाता है, जबकि 80 mm जब ये प्ले कर जाता है तभी ये लोड कंडीशन माना जाता, और जो 24 mm आपका रह गया वो आपको गैप रह जाएगा तो वो एम्प्टी पोजीशन में होता है। देखिए अभी भी रिलीज हो रहा है, हिसिंग साउंड आपको मिल रहा है डीबी से, अब देखिए आस्ते 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 उड़ जाएगा, देखिए ये उठ रहा, देखिए सेंसिंग आर्म आस्ते आस्ते उठ जा रहा, मतलब इस गाड़ी ब्रेक रिलीज हो गया, और आपका उस दौरान देखिए पिस्टन आपका इनसाइड में हो रहा, ये गाड़ी का ब्रेक रिलीज हो रहा। देख सकते हैं आवाज़ हो रहा, जो कि गाड़ी लोड गाड़ी है, ब्रेक रिलीज हो रहा। इधर देखिए ब्रेक ब्लॉक है, ये है आपका बोगी माउंटेड सिस्टम का पॉकेट ब्रेक सिस्टम, फैब्रिकेट सिस्टम ब्रेक ब्लॉक, इनके अंदर में देखिए कनेक्टिंग रॉड है, इस बीम टू इस बीम में, ये दोनों एक ही साथ में ऑपरेशन होता है। ये गाड़ी में एक बोगी में एक सिलेंडर रहता है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम में, और दूसरा बोगी में एक। अभी देखिए सेंसिंग आर्म ऊपर चले गया, मतलब गाड़ी पूरा रिलीज हो गया। तो मतलब इस बॉक्सन टाइप का गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं रिलीज होता है तो पहला सिम्टम ये सेंसिंग आर्म को देखने से पता चलता है, ब्रेक बंडी रहने से सेंसिंग आर्म नीचे रहेगा। दूसरा बोगी में देखिए जो ब्रेक सिलेंडर में गया, एक आइसोलेटिंग कॉक इधर है, आपको अगर इस बोगी में कुछ प्रॉब्लम होता तो गाड़ी को आइसोलेट करने के लिए देखिए आइसोलेटिंग कॉक है, उससे आइसोलेट कर सकता है। ये देखिए इधर ऑक्सिलरी रिजर्वर में आइसोलेटिंग कॉक है, ये पी में से आया, ये इनपुट है, एक नॉन रिटर्न वाल्व इसमें लगा हुआ, और 100 लीटर का आपके ब्रेक सिस्टम के लिए ऑक्सिलरी रिजर्वर इसमें यूज़ किया जाता है। अब देख सकते हैं ब्रेक सिस्टम के लिए जो इधर से जो लीवर आया है, ये पुल रॉड आने का बाद में इधर देखिए ये दो ठो प्रेशर पाइप का साथ में लगा हुआ है, देखिए इधर देखिए प्रेशर पाइप दो अंदर में घुसा हुआ, एक आपके देखिए ये मेन बीसी में जो आ रहा है ये प्रेशर पाइप इधर है, और पीछे से देखिए इनके पिस्टन देखिए इधर निकला हुआ है, ये आपका बीएमबीसी का सिलेंडर। इनके अलावा इस गाड़ी में देखिए एक हैंड ब्रेक है, ये हैंड ब्रेक आपका इस तरह में लूज कंडीशन होगा, इस तरह में टाइट कंडीशन होगा। गाड़ी अगर कहीं खड़ा रहता तो हैंड ब्रेक मार के रखता है, क्योंकि गाड़ी रोल ना हो जाए, और इधर से आपका घुमाने से आपका लीवर कहाँ काम कर रहे हैं, ये अंदर से जा रहा है, ये बॉडी के अंदर में है कहाँ, ये जो पाइप देख रहे हैं उधर से आ रहा है, ये पाइप आने के बाद में देखिए ये आपका इस लीवर में लगा हुआ है, इधर देखिए स्क्रू है, उधर अगर चूड़ी टाइट होगा उस पाइप में तो इधर चूड़ी टाइट होगा, ये आपका लीवर ऑटोमेटिक ये लीवर इस तरफ खींचेंगे, इस तरफ आएंगे,
और ये उस तरफ में ये जो आपका कनेक्टिंग रॉड है उस तरफ मूवमेंट करेंगे और उस दौरान उधर फ्लोटिंग लेवल लगा हुआ है और वो आपका जो कनेक्टिंग रॉड जो है ब्रेक का सिलेंडर में वो जाके उधर कनेक्ट करेंगे और उस दौरान गाड़ी में ब्रेक लग जाएंगे। तो मतलब इस गाड़ी में जो लोड एम्प्टी के जो मैनुअल हैंडल नहीं रहता, इसमें ऑटोमेटिक न्यूमेटिक सिस्टम के मॉडिफिकेशन का ब्रेक लगते हैं, एयरबैग लगता है और इस डीबी में देखिए एक्स्ट्रा पाइप लगते हैं और इसके लिए एक 6.6 लीटर का एक ऑक्सिलरी रिजर्वर है। ब्रेक सिलेंडर के जो हवा जाते हैं पहले आपको ब्रेक सिलेंडर में डायरेक्ट नहीं जाते हैं, इस पोर्शन में आते हैं ये डिवाइस में। डिवाइस में आने के बाद में आपका इस चेंबर जो है इस चेंबर में प्रेशर आते हैं और इधर 104 mm का डिफरेंस में अगर 80 mm में ये अगर बॉडी टच करता है तो लोड कंडीशन माना जाता। अगर इसका प्ले 104 mm तक होता है तो ये एम्प्टी कंडीशन माना जाता। तो अभी देखिए ये जो प्ले किया है 104 mm का अंदर में है, मतलब 80 mm से ज़्यादा है, 80 mm का नीचे में होने से लोड कंडीशन, मतलब ये गाड़ी अभी एम्प्टी कंडीशन में है। गाड़ी एम्प्टी कंडीशन देखने से पता चलता है, देखिए स्प्रिंग जो है दबा नहीं है, स्नो बार जो आपके जो वायर पीस है ये वायर पीस जो है ये वेजेस ये आपका बैठा नहीं है, बोस्टर आपको दबा नहीं है, स्प्रिंग के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मतलब गाड़ी एम्प्टी कंडीशन में है। ब्रेक कंडीशन होने से आपका इधर आपका ब्रेकिंग सिस्टम के लिए ये लीवर नीचे रहेंगे, सेंसिंग आर्म को नीचे रखेंगे। अगर आपका ब्रेक रिलीज कंडीशन रहेगा तो सेंसिंग आर्म ऊपर में रहेगा। तो सेंसिंग आर्म ये गाड़ी रिलीज कंडीशन है, सेंसिंग आर्म ऊपर में है, इसके आगे गाड़ी आपके ब्रेक सिस्टम था। तो चलिए फ्रेंड्स, शायद इस गाड़ी जो है आप लोग देख सकते हैं ये BOX NHL का मॉडल का है और सेंट्रल रेल का इसका कोड, कैरिंग कैपेसिटी और क्या क्या सब है देख लीजिए, मैं पढ़ के नहीं बता सकते हैं। तो शायद इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर हुआ कि इसके ब्रेक सिस्टम में कौन सा पाइप कहाँ यूज़ किया गया और किस तरीके से इसके ब्रेक सिस्टम है और लोड एम्प्टी में क्या इसमें सिस्टम किया गया और उसके जो फीचर है इस वीडियो में शायद मैं समझा सका। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।